केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। यह देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जिस शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव की ज्योति विद्यमान है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव? क्या इसके पीछे कोई देवीय घटना है या कोई सत्य कथा? आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव। एक सच्चे शिव भक्त की कहानी। यह एक सच्चे शिव भक्त की सत्य कथा है। यह वाक्या केदारनाथ धाम में हुआ था। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर किसी को सफर करना होता था तो धनवान लोग बैलगाड़ी व घोड़े का सहारा लेते थे, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। उसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में लोगों से पूछ पूछ कर वह केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा। मन में शिव दर्शन की इच्छा लिए वह हमेशा भगवान शिव का ही स्मरण करता रहा। उसके घर से केदारनाथ धाम काफी दूर था। सफर करते करते 2 महीने बीत गए। जब वह केदारनाथ पहुंचा, तब उस समय वहां पर बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां कोई भी नहीं है। 6 माह के लिए खुलते हैं और 6 माह बंद रहते हैं केदारनाथ मंदिर के पट। आपको यह बता दें कि केदारनाथ धाम के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। जब केदारनाथ धाम में बर्फ पड़ने लगती है तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वह निर्धन शिव भक्त जब केदारनाथ धाम पहुंचा तो वहां बर्फ पड़ने लगी थी और ठंड के मौसम की बस शुरुआत ही हुई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर जा रहे थे। उसने तुरंत उस पुजारी जी से आग्रह किया कि उसे एक बार केदारनाथ महादेव के दर्शन करने दिए जाएं। पुजारी जी ने उससे कहा कि बेटा, अब मंदिर के पट तो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे, तुम 6 महीने बाद आना। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन वह बहुत दुखी हो गया। उसने फिर से आग्रह किया और पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 महीने पैदल चलकर और जगह जगह रुक कर मुझे महादेव के दर्शन करने दो। पुजारी जी ने उसकी एक ना सुनी और उससे कहा, अगर दर्शन करने हैं तो 6 महीने बाद आना, या तो यहीं 6 महीने तक रुक जाओ, लेकिन इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे, वापस लौट जाओ, हम पट नहीं खोल सकते। दोस्तों, अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो शायद पट खुल भी सकते थे, लेकिन उस निर्धन के लिए कौन पट खोलता? पुजारी जी के जाने के बाद निर्धन शिव भक्त निराश होकर मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था और एकाएक उसने यह मन बना लिया कि बिना दर्शन करे मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। उसे महादेव पर पूरा विश्वास था और यकीन था कि महादेव कोई ना कोई लीला अवश्य दिखाएंगे। ऐसा सोचकर उसने वही मंदिर के बाहर रुकने का प्रण ले लिया। महादेव के भक्त ने बिताए 6 माह मंदिर के पास। महादेव के भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं। वह महादेव के दर्शन किए बिना मानते ही नहीं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। रात होते ही ठंड और बढ़ गई और अब उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल ठहरना भी कठिन था, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। उसी दौरान उसने रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा को अपनी ओर आते हुए देखा। वह अघोरी बाबा उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को समस्त हाल कह सुनाया। अघोरी बाबा ने कहा कि तुम निराश मत हो, मंदिर के द्वार खुलेंगे और तुम भगवान शिव के दर्शन भी जरूर करोगे। फिर उस अघोरी बाबा ने निर्धन शिव भक्त से कहा कि तुम थक गए होगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा खाना है, उसे खाकर आराम कर लो, मैं आग जला देता हूँ। शिव भक्त सचमुच बहुत थक चुका था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने उसको नींद लग गई। दूसरी सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अघोरी बाबा वहां पर नहीं थे और बर्फ भी साफ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दियों का मौसम है ही नहीं। उसको आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने बर्फ पड़ती है,
लेकिन अचानक यह क्या हो गया, कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। जब अगले वर्ष भगवान के कपाट खुले, जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे, तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुल जाएंगे। तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ, आज 6 महीनों की सर्दियों के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। पुजारी जी पहले उस भक्त को पहचान नहीं पाए। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त ने कहा, 6 महीने बाद, लेकिन आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे। ऐसा सुनकर पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं सोया था, और आज आप आ गए, 6 महीने कहाँ से हो गए। तब पुजारी जी को संदेह हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब उस मासूम शिव भक्त ने पुजारी जी को सारी बात बताई कि रात में मेरे पास एक बाबा आए, उन्होंने मुझे खाना दिया, आग जलाई और मुझे आराम करने को कहा। पुजारी जी ने पूछा, बेटा वह बाबा कैसे दिखते थे। शिव भक्त ने कहा कि एकदम अघोरियों की तरह, लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड था। बस इतना सुनकर पुजारी जी और उनके साथी उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारे पास स्वयं महादेव आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तित कर कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने वर्षों से हम में से कोई भी भगवान शिव के दर्शन नहीं पा सके, लेकिन तुम्हें भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। दोस्तों, यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है, जो अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं और उनके दर्शन करने आए लोगों की रक्षा भी करते हैं। मेरी हर सच्चे शिव भक्त से विनती है कि इस लेख को सभी शिव भक्तों तक पहुंचाएं, ताकि वह शिव की लीला और महिमा को जान सकें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।